हेलो गाइस, आज छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। आज हम निकले थे ब्लॉग बनाने के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी बाइक की चाबी कहीं गिर गई। तो अभी पहले चाबी बनवाते हैं, फिर अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे वीडियो में। गाइस, अगर आपको ताला बनवाना, अगर रांची से आप इस दुकान पे आ सकते हैं, इनका नाम गोपाल है और ये है पड़ेगा आपको, ये आई बी बीजा है जो भैलोपुर में, वहीं बहन के सामने जशन का दुकान है। आप यहाँ से आके ताला बनवा सकते हैं, अगर आपका चाबी या ताला खो गया हो। चाबी तो बन गई है, अपना ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो पहले हम पेट्रोल पंप से तेल भरवा लेते हैं, फिर उसके बाद अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आपको यूट्यूब पे थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ हम जा कहाँ रहे हैं। तो हम आज ट्रैवलिंग करेंगे मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट तक, जो कि तकरीबन वाराणसी से 40 या 45 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो हम एक्सप्लोर करेंगे वहाँ का एक फेमस फोर्ट है, चिनार फोर्ट, उसको हम आपको दिखाएंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और इंटरेस्टिंग जानकारी आपको भी देंगे। तो लेट्स गो। वैसे अभी हम वेट कर रहे हैं अपने दो कलीग, ऑफिस कलीग जो मेरे सब काम करते हैं ऑफिस में मेरे, तो उनको आने दीजिए, अभी चलते हैं। गाइस ये देख रहे हैं, ओ भाई रुकना है, वहां पे रुकना है। बीएचयू कैंपस में और जा रहे हैं अपने मेन हाईवे जो जाता है चिनार की तरफ। तो आपको दिखाएंगे सीन, अच्छे अच्छे सीन नेचर के आपको एक्सप्लोर करेंगे, बताएंगे।
सर मजा तो आ रहा है फूल आपको पता चल रहा है आपकी मेहनत से। ऐसा अपना कुछ तजुर्बा बताइए। हमें तो रैली में बहुत मजा आ रहा है, बस मैंने तो बताया थोड़ी थोड़ी पीला होगी इसकी वजह से, उनकी चाबी खो गई थी हमारी। चारों लोग फ्रेम में हैं, बड़े बाबा को तेज चला रहे हैं, अविंदर को पीछे छोड़ दे रहे हैं। लेकिन हम इसलिए बहुत स्पीड चला रहे हैं क्योंकि जाने तो जहाँ शादी भी नहीं है यार। गलत बात नहीं, वीडियो में शादी की बात कोई नहीं करेगा। गाइड तो कोई बात, सोहेब सर अपना लगा भावनाओं भागे शादी के चलते। फिर यहाँ सभी पैसेंजर है, सोहेब सर हम है, आपके साथ है, सॉरी सूरज सर की शादी होगी, सुशील सर है हमारे, हम लोग अभी पैसेंजर है, तो आप पैसेंजर में रहिए, खुशी रहिए, हम लोग साथ है, सारे लोग हो गया है कि फिर आप क्या घूम पाएंगे हम लोग।
अभी हम अदालाट पहुंच चुके हैं और यहाँ जो रास्ता है जो शीतला माता मंदिर को जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप जाना चाहते हो तो कहाँ से जाएंगे, ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा सामने, शीतला माता मंदिर अदलपुरा। गाइस ये है वो जगह और ये है वो गेट। गाइस आप वहाँ से जाएंगे दर्शन करने शीतला माता का। हम आगे निकल गए हैं उसके, हमको क्योंकि मंदिर जाना नहीं है, हमको आपको दिखाना चुनार फोर्ट, तो हम वो कवर करेंगे। अगर टाइम बचेगा तो आपको दिखाएंगे लौटते वक्त कि शीतला माता मंदिर क्या कैसा है अंदर से। चौराहा है, पार चौराहा कुछ इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे बीडी एकेडमी है, यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। गाइस वो आपको दिख रहा होगा, वही है चुनार किला, वही हम लोग को जाना है। और ये जो नदी दिख रही है वो गंगा नदी है, और ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है वो बनारस और मिर्जापुर को जोड़ता है। ये पुल अभी नया ही बना है, इसका निर्माण 6/2018 में हुआ था और इसकी लंबाई लगभग 923 मीटर है।
फाइनली रीच द डेस्टिनेशन चुनार पोर्ट। और इनके पीछे आप गेट देख रहे हैं, वो है मेन एंट्रेंस। और हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार कर दी है, तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको आगे का अंदर का व्यू। बने रहिए हमारे साथ। गाइज, वो सामने जो दिख रहे हैं दो पुलिस ऑफिसर, वो जो लोग घूमने आ रहे हैं उसका नाम नोट करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते हैं एंट्री के लिए। तो अभी जाना किधर है सुबह सर? ये इधर से यहाँ पे पुलिस वालों को दे दिया गया है, मतलब अपने उनकी छावनी ट्रेनिंग बेस बना दिए गए। तो गाइज, अभी जिस नाम से आप लोग जानते हैं चुनारगढ़ किला, इसके पहले भी इसको दो नाम से जाना जाता था। जो पहला नाम है उसको कहते हैं चंद्रगढ़, और दूसरा नाम जो है उसको कहते हैं नैनागढ़। तो चंद्रगढ़ जो नाम है, वो पड़ा था भगवान विष्णु के, जो पृथ्वी पर अपना पहला कदम रखे थे तब से। क्योंकि ये आपको सर, ये पूरा किला जो है वो पेड़ के शेप को बना हुआ है। और दूसरा नाम जो पड़ा था नैनागढ़, वो रखा गया है यहाँ की रानी, जिनका नाम था सोनवा। वो जादू दोनों में ज़्यादा विश्वास करती थी, इसलिए इसका नाम रखा गया नैनागढ़। और अभी जो नाम जानते हैं वो चुनारगढ़ चुनार किला के नाम से। इसका पीछे का कहानी ये है कि राजा विक्रमादित्य जो थे, उनके बड़े भाई राजा भृतहरि, वो राजपाट छोड़ के संन्यास बने। और उन्होंने अपना संन्यास शांति पाने के लिए इस जगह को चुना था। तो उनकी रक्षा के लिए राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर ये किले का निर्माण कराया, जो तब से अभी है। और वो राजा तो नहीं कह सकते एक तरीके से, उनके राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई सन्यासी भृतहरि, उनका जीवन समाधि है इस किले में। और ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ पे अभी भी उनकी आत्मा रहती है और इस किले की रक्षा करती है। तो आइए आपको दिखाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस किले को। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नहीं वाली कुछ जेल है कुछ और चीज, आइए देखते हैं, आइए। अरे वो लव बट लिख के गए हैं ना, नेहा लव, पिंकी पिंकी लव, नेहा लिखे, नेहा लिखा तो है। आपकी शादी हो गई है? जेल है ही ये गाइस, जो ये देख रहे हैं आप पीछे, वो है जेल टाइप का है कुछ, मेरे को तो जेल ही लग रहा है। आप बताइएगा आपकी शादी क्या है। ये राजा का नहीं है, कैसे बोलेंगे, दिल्ली वाले में गया, दिल्ली वाला बड़ा सब तक तो गाइस, ये है पूरा व्यू। हमको लगा कि बहुत ज्यादा बड़ा होगा कुछ, क्या कहते उसको, जो रामनगर किला टाइप का होगा सर, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। Yeah.
हॉस्पिटल से वहाँ कैसा रिएक्शन है मालिक लिखने का? बहुत खास नहीं लगता, मतलब जो होना चाहिए ऐसा कुछ हमें नहीं लगता। ऐसे बन के रह जाइए तो आइए। ये पीछे दिख रहा है आपको वो है राजा भरतरी का जीवन समाधि, इसमें कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है इसलिए हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। हवा में ही लगा, हमको तो लगता है शादी यहाँ के लिए होगा, ये कुछ मतलब कुछ था गाइस, सभा स्थल टाइप का था लेकिन समझ में नहीं आया था क्या था। यही है हाँ, बस हम इतना कहेंगे कि चुनार का किला यही है, इसे ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे, क्योंकि बाकी उस साइड का दिखा दो, उस साइड पुलिस वालों के लिए दे दिया गया। अच्छा, वो अपना बेस कैंप बना रखे हैं, जो झंडा दिख रहा है ना उस साइड से यही है बस जिला। और दूसरा भी दिखा दे रहा हूँ, पुलिस वालों ने उधर देखो उधर, जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ था नहीं, हम लोगों को लगा कि रामनगर किले की तरह होगा, कुछ म्यूजियम टाइम का होगा, कुछ पुरानी चीजें दिखने को मिलेंगी, लेकिन इस तरह था नहीं कुछ, बस एक टूरिस्ट प्लेस बन के रह गया। एक ये भी है, इसको भी आपको दिखा देते हैं, ये जो आपको जगह दिख रही है इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं है, इसमें स्वीट लोग आते हैं खाना बनाते हैं एंजॉय करते हैं, और ये है चलो खुसरो की मज़ार चलो, बस कुछ है नहीं, चलो दोनों हम लोग हाइट पे हैं, गंगा जी के किनारे हैं, एक साइड से है बस, आइए वहाँ चलते हैं ना, दिखा रहे बाहर का एक बार। मजार नहीं थी पता नहीं क्या, तो हमको लगा है कुछ शादी टाइप का कुछ था बना हुआ था उसके लिए था। सर सर आप थे कहाँ अभी बताइए, हम लोग पहले पहुंचे आप कहाँ थे? एक्चुअली हम रास्ते में थोड़ा लेट हो गए थे, बहुत आराम से खाली ट्रेवल कर रहे थे, रास्ते में कुछ नमकीन नमकीन खाने लगे थे, हम लोग को भूल गए, हमें हिलाए केले केले खा लिया, केले नहीं खाया हमने, आपको देखा यहाँ पे ये आउटसाइड का व्यू मिले, यहाँ पे आउटसाइड का व्यू कुछ मिलेगा गंगा जी का, हम आपको दिखाते हैं एक्सप्लोर करते हैं। ये अभी लग रहा है कि अभी जस्ट हाल ही में पेंट हुआ है क्या सूरज सर? ये गाइस हो रहा अपना पुल, जिसको मैंने बताया था कि जो बनारस से मिर्जापुर को कनेक्ट करता है, गंगा जी की नदी में बना है, और ये रही गंगा जी, और ये देखिए पुल कुछ खंडहर टाइप का है, किले का हिस्सा है जो शायद ढह गया है। हम लोग थोड़ा सा फोटो शूट करा रहे हैं हम यहाँ पे, ये फोटो शूट करा रहे हैं, ये देखिए हमारे
हमारे चैनल केसरी वर्ल्ड के मॉडल और ये हमारे कैमरामैन सूरज सर, उनको फोटो जितना खींचेंगे उतना खिंचवाएंगे, बस खींचने वाला चाहिए, बस 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 बस। आप वो पुल देख सकते हैं जिसको इसके बारे में मैंने बताया था, जो बनारस से मिर्जापुर को कनेक्ट करता है, और ये गंगा नदी इसको पकड़े थे। सुनो सर, थोड़ा सा एडवेंचर फोटो इनका खींचा है, इनको पकड़ो, थोड़ा इधर आओ। सुनो सोएब सर, इधर आओ, ऊपर खड़े हो जाओ। गाइस ये इनको जान की कोई परवाह नहीं है, आप इधर आ जाओ, जान को कोई परवाह नहीं है। देखो देखो आप देख सकते हो कैसे ये देखिए फोटो शूट हो रही है। इधर सोएब सर, इधर इधर गिर जाओ पीछे ऐसे, ये अभी आखिरी फोटो हो जाएगा तुम्हारा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फोटो शूट से लेकर सारी चीजें हम लोग ने बहुत इंजॉय किया। तो लास्ट हम लोग लेकिन व्यू गाइस बाकी में अच्छा है, आप देख सकते हैं दूर दूर तक सिर्फ गंगा नदी दिख रही है और जो गाड़ियाँ दिख रही है चीटी की तरह दिख रही है छोटी छोटी, यही है बस चिनार किला। घूमने लायक है, प्लेस आ सकते हैं, एक बार विजिट करके देख सकते हैं, दूर है थोड़ा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है तो लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल फेस्टिवल को लाइक कर दीजिएगा। सर सर लास्ट में कुछ बोलेंगे? आइए वापस वापस ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी पहली मेहनत थी, जहाँ कमी है उसको माफ कीजिएगा, और ब्लॉगिंग हमारी ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक की मैसेज पहुँचाइए, और जो चीज़ें आप हम जुड़ना चाहते हैं, हमें कोई चीज़ बताना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में अपने कमेंट्स कीजिए, क्योंकि हम लोग की फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई थी, पहली कोशिश है, और कोशिश करने में कभी हार नहीं होती। इंशाल्लाह अगला ब्लॉग जब हम बनाएंगे तो इससे बेस्ट जगह आपको दिखेंगे। थैंक यू। तो गाइस आज की ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते तो अगला ब्लॉग कहाँ का है, सरप्राइज ही बना देंगे, सरप्राइज भाई, अगला ब्लॉग सरप्राइज रहेगा। आप अब हिस्टोरिकल प्लेस ब्लॉग करके धार्मिक कुछ, साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर हम लोग बिहाइंड द सीन और अपने वीडियो के अपडेट सारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं। और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।